खुश हो बेटा, कोटि कोटि धन्यवाद दरबार का, खुश हो बेटा। इतना अनुभव महसूस हुआ पिछले 5 महीने से हम जब से जुड़े हैं दरबार से, तब से अपने आप केवल लोगों को बता के ही हमको सब कुछ बगैर प्रक्रिया के सब कुछ दे दिया। मेरी आवाज चली गई थी 8 महीने पहले ट्रेन से गिरते ही, और ब्रेन स्ट्रोक भी लगा था, और दरबार में 3 महीने बाद आपसे मिले, उस दिन पहली बार मेरी आवाज निकली, फिर उसी दिन मैंने खाना खाया, नहीं तो लिक्विड पीता था टोटल मिला के, और उसके बाद फिर मेरा बंडे का आपने बोला था, बंडे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, माँ बाबा ने ऐसा हमको हाथ पकड़ के निकालते हैं। पिछले 5 महीने से मैं ट्रेन में फ्री चल रहा हूँ, और मैं इतना खुद टीसी बुला के मुझको एसी में बिठालते हैं, ओ सबसे फाइन लेते हैं, मुझसे कुछ नहीं लिया ले। और इसी दरबार में अभी जब 5 तारीख को प्रोग्राम था, समागम था, उस दिन मैं केवल ये सोच के आया था कि आज अगर मेरी व्यवस्था नहीं हुई बाबा जी, तो बाबा जी ने हमको दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से खींच के इधर कानपुर बुला लिया, इधर आए तो जो दिल्ली हम जा रहे थे, तो दिल्ली से एक 17 लोगों की फैमिली आई यहीं दरबार में, वो केवल दर्शन करने आई थी, और मेरे बैठ गद्दे के बगल में लेटे थे, तो उन माँ ने मेरी समस्या जान के मुझसे कहा, बेटा मेरे 4 बेटे हैं, 5वें आप बन गए, आपका वनडे हवन में जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी। तो उनने उस दिन मैंने 3 लाख रुपये मांगा, मैंने कहा 2 लाख तो प्रोसेस क्या हो गया, 51,000 भंडारे को देना है, 30-40,000 के लेपन करना है, ये अनुभूति मेरे मन में थी। उनने अगले 3-4 दिन बाद गए, 1 लाख रुपये मुझे डाल दिया पहले, फिर उसके बाद फिर रुक गई हमारी स्थिति, तो कोई निगेटिविटी थी, तो दोबारा हम आपसे मिले, तो आपने वो फिर हमारी हटाई, तब उसके बाद हम यहाँ से 4 हवन किट घर पे ले गए, उसके 1 घंटे बाद उन्हीं भैया का फ़ोन आया कि कल आ जाओ पेमेंट ले जाओ, और पेमेंट 2 लाख लेके आया। मैंने जिस दिन इधर पेमेंट जमा किया, 4 दिन पहले, 2.5 साल से मेरी बीवी बात नहीं करती थी अपने मायके, जब 3 साल पहले हम लोग अलग हुए, तब 2 दिन के लिए हम यहाँ आए, अपना अदरक का बिजनेस है मेरा झांसी में, पूरा ऑल इंडिया सप्लाई करता हूँ, पूरा बर्बाद हो गया, आज 20 करोड़ के कर्ज में हो गए। तो उस दिन बीवी को छोड़ के, उनकी माँ के यहाँ छोड़ के आया, और तीसरे दिन लिया तो उनकी माँ ने पता नहीं किसी तांत्रिकों को बुला के हमसे मोह भंग करवा दिया, अगले दिन झगड़ा हुआ, दोनों के गले कटे, अब ये हमको पता नहीं हमने उसको मारा क्या, उसने हमको मारा या हमने खुद किया, तो ये अब उसकी माँ, 4 दिन पहले जैसी बात हुई, मैंने इधर जमा किया पैसा, उसका फ़ोन आया और उसने बात की, बस बाबा माँ से हम जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, वो बिगर करे के पहले, और जैसे बंडे, और आज की अनुभूति और देख लीजिए, मेरी बुकिंग परसों संडे की थी, संडे को वो नहीं आ रही थी, तो वो कह रही, मेरी माँ कह रही है तुम उधर जाओगे तो वो हम जान से मार देंगे उसको, फिर संकल्प किया मैंने, तो फिर उसके बाद वो कह रहे हम नहीं आ रहे, आप ही कर लो, हमने इधर कर लिया, परसों की जगह हमारा कल हो गया अपने आप, क्योंकि आज मंगलवार को होना था, फिर आज दोबारा मेरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया कि आज अपना बंडे करो, हमने हमारा हो गया। ये कृपा अपने आप बाबा जी कर रहे हैं, खुश रहो बेटा, आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा, केवल लोगों को बताने से हमको पुण्य मिल रहे हैं, बिल्कुल बेटा, और आज 500 लोग जुड़ गए मुझसे, मुझे फोन से डेली बात, दरबार के जितने दीक्षित हैं हमको अपना बेटा मान लिया, हमको भाई मान लिया, खुश रहो बेटा। क्या नाम लिखते हो? सुरेश नाम है, झांसी से, सुरेश जी बेटा। और अभी मैंने उनको अपनी दुकान के पेपर रख दिए, हमने कहा जैसे जब भी व्यवस्था होगी आपके 3 लाख विद इंटरेस्ट देंगे हम, तो हमने दुकान के पेपर रख दिए। ये आपका एक जो असाध्य रोगों के लिए एक निःशुल्क हवन होता है जी, ये जरूर अटेंड करना। अच्छा गुरु जी, बस ये कृपा है, जब, मैंने जब कभी तुम डेट ले लेना जी, जी उस डेट में आकर के, ये निःशुल्क हवन है, हमें पाइप को बुलवाना है बस गुरु जी, इसको कर लेना पहले ध्यान से, ठीक है, ये निःशुल्क हवन है, इसको तुम ही देखो बेटा, हमें जरूरत नहीं है, ये डेट ले लेना निशुल्क हवन की, एक दिवसीय महाहवन है। और एक और अनुभव रहा, मेरी 9 साल की डायबिटीज थी जब फर्स्ट टाइम यहाँ मिले थे, उस दिन से मेरी डायबिटीज खत्म हो गई, सब कुछ मीठा खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, और 150 से ऊपर नहीं जा रही, पहले 400 से 500 तक रहती थी, बिल्कुल तो 5 महीने से सब मेडिसिन खत्म हो गई मेरी। वाह, खूब खुश, आपका कोटि कोटि धन, स्वस्थ गुरु जी, इसको देखो जरा, फोटो देखो, ओम पत्नी की सारी गंदगी चले, जिसको जिसके शरीर जिसके OCD जिस शरीर में खींच के लाए जाए, उसके हाथ में शरीर खींच के लाए जाए, निकाल के नष्ट करके सेवकाओं के हाथ, उसके बच्चे हुए सरों से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा भी जा सकती,
बैलेंस। पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बंधन खींच लो अपना पैर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत गंदा व्यवहार है इनका। हाँ, बहुत गंदा व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं दिख रहा है इनका। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ही ने कहा था कि ये गंदगी जाएगी वो आ जाएगी। गंदगी बहुत, और अभी उनको देखते ही सर ही कांपने लगा है। इसीलिए तो गंदगी बहुत थी ना, जब खींचा तो तुम में गंदगी आई, वापस शुद्ध प्रवेश ठीक खुश।